अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख जब्बार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हम्द व सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक्वेरियस, आपका ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा 22 से 18 जनवरी, ये बताने के लिए मैं आपको हाज़िर हूँ एक बार फिर आपकी खिदमत में। सबसे पहले तो हर बार एक ही तरह के सवाल जो आ रहे थे उनका भी जवाब देता चलूँ। ऐसे तमाम अफराद जो कि 20 जनवरी से ले कर तो 19 फरवरी के दरमियान पैदा होते हैं, ये एक्वेरियस होते हैं, यानी कि बुर्जे दलों में आते हैं, और जिनको अपनी कन्फर्म डेट ऑफ बर्थ पता नहीं, और नाम के पहले रूप जो है वो रे ते तोएं से शुरू होते हैं, ये बुर्ज दलों में आते हैं, लेकिन सिर्फ उस सूरत में जब के डेट ऑफ बर्थ कन्फर्म नहीं है। तसव्वुर खान साहब ने पिछली बार कहा था कि मेरे पासपोर्ट पर 2/2 लिखी हुई है, यानी 2 फरवरी। खान साहब, अगर वो डेट ऑफ बर्थ कन्फर्म नहीं है तो फिर आप अपने नाम के पहले अरसे देखेंगे, आपका नाम का पहला हर्फ जो है वो ते है, टी आपने भी लिखा हुआ था, तो ये जो है वो बुर्ज मीज़ान से मुतल्लिक है, फिर आप एक्वेरियस में नहीं है। और अगर आपको कन्फर्म है कि डेट ऑफ बर्थ यही है आपकी 2 फरवरी, तो फिर आप डेड श्योर बुर्ज मीज़ान जो है वो दलू में ही है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ होती है कि नाम अहम है या आपकी डेट ऑफ बर्थ। बहुत सारे लोग ये इस गलतफहमी का शिकार रहते हैं। देखिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ एक ऐसी चीज़ है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। आपको मालूम है या नहीं मालूम ये एक अलग बात है, लेकिन उसको चेंज नहीं किया जा सकता। जिस भी दिन आप दुनिया में तशरीफ़ ले आए वो वही दिन रहेगा, उसको तब्दील आप नहीं कर सकते। नाम एक ऐसी चीज़ है जिसको आप ज़िंदगी में 20 मरतबा चेंज कर सकते हो, एक बार, दो बार, कई लोगों का होता है, कई लोगों का नहीं होता, लाजमी नहीं होता, लेकिन ये चेंजेबल है, वो चेंजेबल नहीं है। तो मोर देन ऑथेंटिक आपकी डेट ऑफ बर्थ है, उसको ज़रूर फोकस करें। और अब आने वाले जो बच्चे हैं आपके, उनकी डेट ऑफ बर्थ लाजमी तौर पे कहीं पे नोट डाउन कर लिया करें, सिक्योर कर लिया करें, 2-3 जगह पे बल्कि करें। समटाइम एक ही डायरी पे लिखा होता है और वो गुम हो जाती है, फिर इंसान रह जाता है। ये हफ़्ता आपका कैसा गुजरेगा, इसके साथ साथ सबा नवाज, आपका मैं शुक्रगुजार हूँ, आपने बेटा लिखा कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, ये मेरी खुशकिस्मती है कि किसी को मैं याद रह जाऊं। दुनिया से तो चले जाना बेटा, कोई एक लफ्ज़ भी आपको सिखा गया, कुछ समझा गया, तो ये मेरे लिए खुशबख्ती का बायस होगा। आपने कहा कि स्टोन के लिए जो है फिंगर्स ज़रूर बता दिया करें, बेटा इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। सबसे पहले आज की वीडियो में बताता चलूं, आपके लिए इस वक्त जो है वो लाजवर्द पहनना और हेमाटाइट पहनना ये बड़ा अच्छा है। हेमाटाइट या लाजवर्द दोनों जब भी आप पहने तो आप इसे सबसे बड़ी उंगली में पहने, शहादत की उंगली के साथ जो उंगली होती है ये सबसे बड़ी। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी इन दोनों स्टोन्स का तल्लुक जो है वो सैटर्न के साथ है, और अकॉर्डिंग टू पामिस्ट्री इस फिंगर का तल्लुक आपकी जो वो भी सैटर्न के साथ है। सो दैट्स वाई हम अगर उसको यहाँ पे पहनेंगे तो वो राइट प्लेसमेंट पे आएगी और सैटर्न के नेगेटिव इफेक्ट्स को जो है वो ब्रेक करेगी और उसकी पॉजिटिविटीज़ को आप तक लेके आएगी। सैटर्न जो कि इस वक्त आपके जायचे के बारे में जो है वो ग्रुप की हालत पे मौजूद है, आपके जायचे के बारे में जो है इज्तमाए सियारगान है, तो ये इज्तमाए सियारगान तमाम एक्वेरियस वालों के लिए मैं कह रहा हूँ, ये जो इज्तमाए सियारगान है ये बहुत अहम है। ये आपकी जो पीछे की जो कार्रवाई है, जो पिछली ज़िंदगी में आप कर रहे हैं, वो आप निकाल के आपके आगे लेके आ रहा है। इसके अलावा ये खुदा नखास्ता लाजमी नहीं कि सब के साथ है, जो मैं खुदा नखास्ता कह रहा हूँ, ये आपको हॉस्पिटलाइज करवाता है, आपकी टांगों में तकलीफ़ लेके आएगा, ये आपकी स्पेशली थाई से नीचे का जो पोर्शन है यहाँ पे आपकी तकलीफ़ जो है वो इसकी वजह से आ सकती है। इसके अलावा आपको अपनी चेस्ट का बहुत ख्याल करना चाहिए, तमाम एक्वेरियस को कह रहा हूँ। आपके छठे घर में बुर्ज सरतान में चुके, बुर्ज सरतान का तल्लुक चेस्ट से आपकी सीने से, यहाँ पे चूँकि राहु मौजूद है और अभी ग्रहण 10 तारीख को होने जा रहा है, ग्रहण का सदका लाजमी दीजिएगा, 2 किलो टोटा चावल आटा और दूध, ये ग्रहण का सदका है जो 10 तारीख को है। उसके बाद 17 को फिर कमरी हबूत है, कमर जो कि आपके छठे घर के इलाके में इसका हबूत है, तो लाजमी होगा कि उस वक्त भी आप 2 किलो टोटा चावल आटा या दूध का सदका दें। ये पर पर्सन का सदका है, आप अगर ये अफोर्ड ना करते हों तो जितना भी इसमें तौफीक आप अफोर्ड करते हों उतना आप जो है वो दे सकते हैं। जितनी भी वीडियो मेरी देखें इसको, इस बात को जहन में रख के देखिएगा कि इसको इसमें कुछ भी डराने के लिए नहीं है, ये आपको समझाने के लिए है। हर किसी बड़े से बड़े तबीब के पास हम गए, डॉक्टर के पास गए, तो वहाँ पे लिखा होता है परहेज़ इलाज से बेहतर है, तो ये परहेज़ है।
आपको बताया जा रहा है कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और अगर आप अवेयरनेस में होंगे, आपको पता होगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और खुदा ना खास्ता वो प्रॉब्लम आती है तो फिर आपको ये भी पता होगा कि इसका हल क्या करना है। इसके अलावा जितने भी मसाइल आ जाएँ, परवरदिगार ने उनका हल दिया होता है पहले ही। मैं कई बार कह चुका एक्वेरियस वालों को कि आपकी साठ सत्तर शुरू है, आप दुआ रद्द नुसरत सियारगान को अपना मामूल रखिए, अपने मामूलात में उनको शामिल कर लीजिए, वो पढ़िए, ये चीज़ें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। इसके अलावा सदका दीजिए, हर हफ्ते को 800 ग्राम काले माश का सदका देना अपना मामूल बना लीजिए, ये अगले कई साल आपको जो है वो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह एक आईडी थी भाईजान के नाम से, तो भाईजान आपका सवाल ये था कि साठ सत्ती का साल कौन सा चल रहा है। देखिए साठ सत्ती साढ़े सात साल की होती है, और आप आलमोस्ट इसका जो है वो सवा दो साल गुजार चुके। 22 मार्च को साठ सत्ती का दूसरे दौर का आगाज़ होगा। दूसरा दौर चूँकि ढाई ढाई साल के तीन दौर होते हैं, इसलिए दूसरा दौर भी ढाई साल का होगा, जो कि 22 मार्च को आपका स्टार्ट होगा। उम्मीद करता हूँ आप इस बात को भी समझ गए होंगे। एक अच्छी खबर, बहुत अच्छी इस हफ्ते की, बल्कि आपके लिए सबसे अहम खबर जो है वो आपके खाना माल में मुश्तरी आ रहा, सॉरी जोर आ रहा है, जो कि आपके असेंडेंट में मौजूद रहते हुए आपको बहुत सारी कामयाबियों से हमकिनार कर चुका है। आपकी तबीयत में एक बहुत अच्छा चेंज लेके आया, लोगों में आपकी मकबूलियत जो है अपने अंदर आपने जो फील की, अब लोग भी उसको फील करेंगे जबकि आपके खाना माल में जाएगा। खाना माल का तल्लुक आपके फाइनेंस के साथ साथ इस बात से भी होता है कि लोग आपको कैसा जानते हैं। फर्स्ट हाउस आप कैसे हैं, सेकंड हाउस लोग आपको कैसा जानते हैं। तो इस वक्त सेकंड हाउस में जब वीनस आएगा तो आपकी अपीयरेंस में बड़ी खूबसूरती लेके आएगा, आपके चेहरे पे एक खूबसूरत सी शाइनिंग आएगी, आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, और आप ख़ुद को हशाश महसूस करेंगे, लोगों में आपकी मकबूलियत का ग्राफ जो है वो बढ़ेगा, फाइनेंशियल पोजिशन भी तो लाजमी बात है वो भी बढ़ेगी, और आपके अंदर से जो ये चमक जो आएगी इसकी वजह स्पिरिचुअलिज्म होगा, रूहानी मामलात होंगे, आपकी तवज्जो एक बार फिर स्पिरिचुअलिज्म की तरफ मुड़ रही है। ये उन लोगों के लिए जो ज़रा सा डी टैग होगी, जो पहले वहाँ पे खड़े हैं वो तो खड़े हैं माशाल्लाह, उनको और तरक्की मिलेगी, लेकिन जो डी टैग हो गए थे वो वापस अपने रूट पर, सही रूट पर जो है वो अब मुंतकिल हो जाएंगे। नई ऑप्शंस आपके सामने खुलेंगी, घर का माहौल बेहतर होगा, घर में तज़ीन व आराइश का सिलसिला चलेगा, रिपेयरिंग का सिलसिला चलेगा, घर के लिए खरीदो फरोख्त होगी, आराइश व ज़ैबाइश के मामलात जो है वो ज़ेरे गौर आएंगे, वालदा के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे, ख़ानदान के अफराद में आपकी मकबूलियत का ग्राफ बढ़ेगा, ये बहुत ही एक अहम चीज़ है आपके लिए, और इस तरह से बहुत सारे मामलात आपके जो हैं वो बेहतर होते चले जाएँगे। माली तौर पे आप इस तमाम हफ्ते में मुस्तहकम रहेंगे इंशाल्लाह। आपके तीसरे घर का हाकिम सैयारा ग्यारहवें खड़ा है, तो समाजी ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, बहन भाई दोस्त अहबाब नज़दीकी सफ़र बेसिक एजुकेशन आपकी, ये तमाम चीज़ें आपके लिए बहुत ही अच्छी जो है वो बनती चली जा रही हैं। घर की खरीद फरोख्त और सवारी की तब्दीली के लिए ये एक आइडियल टाइम है। आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आप अपने घर को ही तब्दील करना चाहते हैं, घर में कोई तज़ीन व आराइश करना चाहते हैं, कोई कर्टन चेंज, कोई इंटीरियर चेंज, ये इस तरफ अब आपकी तवज्जो जो है वो रहेगी, और ये वक्त की ज़रूरत है, वक्त की जो आवाज़ है उसको जो सुनेगा वही कामयाब जो है वो ठहरेगा। आपके पाँचवें घर का हाकिम सियारा जायचे के बारहवें मौजूद था, 16 जनवरी को इंशाल्लाह ये भी निकल के यहाँ से आपके ताले में आ जाए, तो बच्चों की वजह से जो परेशानी का एक आलम थोड़ा सा चल रहा था लाशोरी तौर पे जो चीज़ आपको पिन कर रही थी अब वो ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। मरकरी के असेंडेंट में आने से आपकी फहम व फरासत में मज़ीद इजाफा होगा, और ये एक आपके लिए अच्छा, बहुत अच्छा पॉइंट जो है वो है, आपकी मंगनी तय पाने के इम्कान बढ़ जाएंगे। इसके अलावा अगर आप औलाद की ख्वाहिश रखते हैं तो बफजल ताला परवरदिगार आपको औलाद की नियमत से नवाजेगा। इसके अलावा आपकी एजुकेशन, अगर आप स्केल 12 से 14 की एजुकेशन ले रहे हैं तो उसमें आपके लिए बड़े अच्छे मौके जो है बढ़ जाएंगे। आप अपनी जो मनाजिल है एजुकेशन की जो सीढ़ियाँ हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो चढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, और ये एक अच्छा वक्त आपके लिए इंशाल्लाह। छठे घर का हाकिम कमर, दो चीज़ें बहुत अहम, मैंने एक ग्रहण बता दिया आपको, 10 तारीख को ग्रहण है इसका,
आपको ख़ास ख्याल रखना है, और 17 को ये दोनों जो कमर दर अकरब है, इस दोनों चीज़ों का आपको बहुत ख्याल करना है। जॉब छोड़ने की गलती कतई ना कीजिएगा, वरना आपको जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये आपके लिए काफ़ी जो है वो टफ साबित हो सकता है। आपके शादी अज़दवाजी तालुकात ये बहुत अहम है, चूँकि दोनों ही ऐसे काम हैं जो किसी भी सूरत आप इग्नोर नहीं कर सकते। शाकदारी के हवाले से मैं ये कहूँगा कि आपके अगेंस्ट कुछ प्रॉक्सीज हो सकती हैं, उस पर आपको तवज्जो रखनी है। आपकी अलहदगी की तरफ तक बात जा सकती है अगर आप जॉइंट एडवेंचर में काम कर रहे हैं तो। शरीके के आदमी के साथ इख्तलाफात भी, और कुछ आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है अपने शरीके हयात की सेहत की वजह से। तो दोनों ही चीज़ें, दोनों सेक्टर बहुत अहम। मैंने सदका बताया था, एक किलो दाल चना या गंदुम इतवार वाले सदका दे के आप अपने इस पोर्शन को सिक्योर कर सकते हैं। तो अगर तक अभी तक आपने ऐसा नहीं किया तो पहली फुर्सत में ये कर लीजिएगा, ताकि आपके मामलात में आसानी पैदा हो। विरासती मामलात, मुश्तरक माली मामलात, ये इस वक्त भी आपके कटाई में चल रहे थे। 16 तारीख, ये हफ्ता भी आलमोस्ट इसी तरह काम करेगा इस हवाले से। 16 तारीख के बाद जब मरकरी अच्छी पोजीशन में ताले में आएगा तो फिर ये मामला आपका इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, और जो मामलात आपके ख़राबी की तरफ चल रहे थे उसमें आपको बेहतर सूझबूझ की वजह से आप उसको अपनी सूझबूझ को इस्तेमाल में लाते हुए उनमें से निकलने के लिए रास्ता इंशाल्लाह बना लेंगे। आपके बैरून मुल्क सफ़र की राहें खुल रही हैं, सुसारीजों कर्म के साथ मेल मिलाप बढ़ेगा और उनके साथ आपके तल्लुकात भी बढ़ेंगे। इसके अलावा आप जो है किसी रूहानी सफ़र की तरफ जो है मतवज्जो हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप जो है सादत उम्रा के लिए जो है वो तैयारी कर सकते हैं, या ज़ियारत मुकदसा पे जाने की आप जो है वो तैयारी कर सकते हैं। ये आपके लिए एक अच्छा वक़्त है। बहुत अच्छी चीज़ इस हफ्ते में दूसरी जो सबसे अहम चीज़ थी वो आपका मार्स। आपके कैरियर का हकीम सैयारा आपके जायचे के 11वें मौजूद है। कारोबार बिजनेस के हवाले से आप अपने हसब ख्वाहिश स्टेप्स ले सकेंगे। जो मामला आप लेके चले थे पिछले दिनों, उसकी रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, आपको कामयाबी होगी। वालिद की तरफ से आपको भरपूर तावन मिलेगा, मदर इन लॉ भी आपके साथ तावन करती नज़र आ रही हैं, इनके साथ तल्लुकात बहुत अच्छे होंगे। कारोबारी वाले से अगर आप की कोई पेंडिंग थी आपकी, जिसको कहते हैं कोई आपके कैरियर के वाले से कोई प्रमोशन वगैरह पेंडिंग थी, अगर आप जॉब करते हैं तो उसमें भी इंशाल्लाह आपको कामयाबी होगी। दोस्त अहबाब भरपूर तरीके से आपका साथ देते नज़र आ रहे हैं। नए प्रोजेक्ट्स आप जो है वो जारी कर सकेंगे, उनका आगाज़ कर सकेंगे। नई जो है वो बिज़नेस एग्रीमेंट्स ये आप इस वक्त अवेल कर सकेंगे इंशाल्लाह। इस हवाले से आपकी ख्वाहिशात जो है उनकी तकमील हो सकती है। तो मजबूती तौर पर मैं देखूँ तो ये एक बहुत अच्छा वक्त है आपके लिए। इसको मज़ीद बेहतर आप मेरी फ्राहम करदा मालूमात की रोशनी में बना सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप इन मालूमात से मुस्तफीद होंगे। कुछ चीज़ें एहतियात तलब, स्पेशली आपका छठा घर सेहत और आपकी मुलाजमत, ये बहुत अहम है। सबसे पहले कहते हैं जान है तो जहान है, ज़िंदगी है आपकी सेहत है तो बहुत कुछ आपके लिए खुला है, और अगर वहाँ पे कोई नुकसान होता है तो फिर वो नाकाबिले तलाफ़ी होता है। इसलिए ग्रहण और कमर दर अकरब दोनों का सदका देना कतई ना भूलिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन ज़रूर पुश कर लीजिएगा, ताकि बर वक्त आपको तमाम वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें।